अस्सलाम वालेकुम माई YouTube फैमिली, होप यू आर डूइंग वेल। आज मैं आप लोगों के लिए जिस प्रोडक्ट का रिव्यू लेके आई हूँ वो है जी डीप मॉइस्चराइज़र फॉर द ड्राई स्किन। बहुत सी रिक्वेस्टेड आ रही थी कि आप ही कोई बहुत ही रीजनेबल प्राइस में कोई अच्छा मॉइस्चराइज़र बता दें फॉर द ड्राई स्किन। तो आज मैं आप लोगों के लिए ड्राई स्किन के लिए बहुत ही बेस्ट मॉइस्चराइज़र और बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में लेकर आई हूँ और इसका रिव्यू आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। क्यूटर सॉफ्ट मॉइस्चराइज़र बहुत ही बेहतरीन मॉइस्चराइज़र है फॉर द एक्सट्रीमली ड्राई स्किन। बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम ड्राई स्किन है जिनकी, उनके लिए भी यानी कि बहुत ज़्यादा ड्राई होती है और पैच वगैरह बनने शुरू हो जाते हैं, ड्राई पैचेस वगैरह, स्किन उतर रही है तब भी, या फिर जब भी आप क्लिनजिंग करते हैं उसके बाद आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई रहती है, आपकी स्किन खिंची खिंची सी फील होती है, तो उसके लिए बहुत बेहतरीन मॉइस्चराइज़र है फॉर द ड्राई स्किन। ये मॉइस्चराइज़र किसी भी फार्मेसी से आपको इजीली मिल जाएगा, ये किसी फार्मेसी से ही मिलेगा क्योंकि ये मेडिकेटेड मॉइस्चराइज़र है, डॉक्टर सजेस्ट करते हैं फॉर द ड्राई स्किन के लिए, और बहुत ज़्यादा बजट फ्रेंडली है, हर कोई इसको बाय कर सकता है। यानी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव मॉइस्चराइज़र अगर आप नहीं अफोर्ड कर सकते तो ये मेडिकेटेड मॉइस्चराइज़र यूज़ करके देखें, आपको बहुत ही अमेजिंग फील होगा। ये नॉन इरीटेट करता है, नॉन ग्रीसी है, नॉन परफ्यूम, यानी इसके अंदर ना तो परफ्यूम है, ग्रीसीनेस भी बिल्कुल नहीं है। यानी समटाइम्स होता है कि आप कोई भी मॉइस्चराइज लगाते हैं आपकी स्किन चिपचिप करना शुरू हो जाती है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करेगा, हाइड्रेट करेगा, क्योंकि इसके अंदर लैक्टिक एसिड मौजूद है, उसके साथ विटामिन ए और विटामिन ई मौजूद है जो कि आपकी स्किन को डीपली तौर पर हाइड्रेट करते हैं और मॉइस्चराइज करते हैं और उसके साथ साथ सॉफ्ट और स्मूथ बनाते हैं। 90 ml की ये बोतल है, ट्यूलिप हेल्थ वालों ने इसको जो है वो बनाया है, और ये रिच मॉइस्चराइजर लोशन है, डीपली मॉइस्चराइज करता है। इसके प्राइस की अगर बात करते चली जाऊं तो ऑलमोस्ट 550 rupees में ये आपको किसी भी फार्मेसी से इजीली मिल जाएगा। कॉस्मेटिक शॉप से भी आप जो है वो ट्राई कर सकते हैं, अगर आपको मिल गया तो बेस्ट है, लेकिन मैंने इसको फार्मेसी से परचेज़ किया था। मेरे घर में मेरे मामा की स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई रहती है, उनकी स्किन पर वो ड्राई पैच जो है वो रहते थे और बहुत ज़्यादा कानों के पास जो है वो ड्राइनेस रहने लगी थी, तो उसके लिए जो है वो ये वाला मॉइस्चराइज़र बाय किया और इसको वो जो है वो यूज़ करना उन्होंने शुरू किया। इसको यूज़ करते हुए ऑलमोस्ट जो है वो 2 months हो गए हैं और उनकी स्किन सुपर डुपर सॉफ्ट हो गई है, स्मूथ हो गई है, और उनकी स्किन पर जितनी भी ड्राइनेस थी वो जो है वो बिल्कुल भी ख़त्म हो गई है। क्योंकि ड्राइनेस अगर आपकी स्किन पर रहती है तो आपकी स्किन जो है वो जल्द रिंकल आना शुरू हो जाते हैं आपकी स्किन पे, आपकी स्किन बूढ़ी होना शुरू हो जाती है, रिंकल आएंगे, फाइन लाइंस आने शुरू हो जाएंगी, जिसकी वजह से जो है वो आपकी स्किन पे वाजिया तौर पर एजिंग साइन नज़र आना शुरू हो जाएंगे। बेहतर यही है कि आप कोई बेस्ट मॉइस्चराइजर अपनी स्किन पर यूज़ करें ताकि आपकी स्किन जो है वो फाइन लाइंस और रिंकल्स या एजिंग साइन से बच सके। इसीलिए अगर आप किसी कोई बेहतरीन बजट फ्रेंडली मॉइस्चराइज़र ढूंढ रही हैं तो ये वाला मॉइस्चराइज़र एक बार ट्राई करके देखें, आपकी स्किन सुपर डुपर सॉफ्ट हो जाएगी और जो ड्राइनेस का इशू है वो भी ख़त्म हो जाएगा। आई नो ड्राइनेस के लिए जो मॉइस्चराइज़र मार्केट में इस वक्त मौजूद है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी मौजूद है और बहुत ज़्यादा जो है वो लो क्वालिटीज़ में भी मौजूद है, यानी कि लो प्राइस में भी और हाई प्राइस में भी मौजूद है। लो प्राइस वाले आपकी स्किन पर इतना कोई खास फ़र्क नहीं करते और उनको लगाने के बाद बहुत सी चिप चिप ग्रीसीनेस से फील होती रहती है और आपकी स्किन बहुत ज़्यादा हैवी फील करती है। और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव मॉइस्चराइज़र जो है वो सम लोग अफोर्ड करते हैं लेकिन बहुत से लोग अफोर्ड नहीं करते, इसीलिए उन बहनों के लिए जो मुझे कह रही थी बहुत ही बजट फ्रेंडली हमें जो है वो कोई बेस्ट मॉइस्चराइज़र बता दें, तो उनके लिए ये बेस्ट मॉइस्चराइज़र है, फार्मेसी प्रोडक्ट है, डॉक्टर की रिकमेंडेशन पर ये लिया गया है फॉर द एक्सट्रीम ड्राई स्किन के लिए। और ये जो है वो इसका कोई भी नुकसान नहीं है क्योंकि ये मेडिकेटेड है, लैक्टिक एसिड, विटामिन ए, विटामिन ई, इनके अंदर ये 3 इंग्रेडिएंट है इसके मेन, इसमें बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स मौजूद नहीं है। तो जी ये मेरा पर्सनल रिव्यू, पर्सनल एक्सपीरियंस था अबाउट दिस मॉइस्चराइज़र, क्योंकि मेरी फैमिली में इसे 2 लोगों ने यूज़ किया, एक मेरी मामा ने और एक मेरी सिस्टर इसको यूज़ कर लिया, उनकी स्किन पर यह काफ़ी अच्छा मॉइस्चराइज़र रहा है। और सबसे बेहतरीन इस मॉइस्चराइज़र की बात यह है कि इसमें कोई भी परफ्यूम या कोई भी जो है वो स्मेल आपको इतनी ज़्यादा फील नहीं होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि हर वीडियो आप तक बासानी पहुँच सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।